शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के सपोर्ट में यूं तो कई बॉलीवुड सितारे आए, लेकिन अब ऋतिक रोशन ने आर्यन की तस्वीर शेयर कर एक बहुत ही इमोशनल ओपन लेटर शेयर किया है। उन्होंने, आप सभी जानते ही हैं, आर्यन भी सुजैन और ऋतिक के बेटों के एज की ही होंगे। सुजैन ने भी ये बात कही थी कि वो बहुत ही अच्छा बच्चा है, बस गलत समय पर गलत जगह पर था। अब ऋतिक ने एक बहुत लंबा पोस्ट, जो है अगर कहा जाए ओपन लेटर की तरह, शेयर किया है आर्यन के साथ, और उन्होंने लिखा है, माय डियर आर्यन, लाइफ जो है वो एक स्ट्रेंज राइड की तरह है। इट्स ग्रेट बिकॉज ये कभी अनसर्टेन है, इट्स ग्रेट बिकॉज इट थ्रोज यू कर्व बॉल्स, लेकिन हमेशा याद रखना कि भगवान बहुत काइंड है। He gives only the toughest ones, the toughest balls to play. यानी कि मुश्किल बॉल उसी को ही मिलती है जो उस मुश्किल बॉल के साथ खेल सके, उसे संभाल सके। तो जो ये टफ सिचुएशन आर्यन को मिली है उसी को लेकर ऋतिक ने लिखा है। वो आगे लिखते हैं, यू नो यू आर चोजन व्हेन अमिडस्ट द chaos यू कैन फील द प्रेशर टू होल्ड यूर ओन, एंड आई नो यू मस्ट फील इट नाउ, द एंगर, द कन्फ्यूजन, द हेल्पलेसनेस द वेरी इंग्रीडियंट्स दैट आर नीडेड टू बर्न द हीरो आउट फ्रॉम इनसाइड यू। यानी कि तुम्हें उन सारी चीज़ों को, वो कहते हैं ना कि जितना कोयला तपता है उतना ही हीरा जितना तपता है उतना ही निखरता है, उस तरह की बात जो है ऋतिक कर रहे हैं कि तुम और निखरोगे जितना तपोगे, तो परेशान मत हो। वो आगे कहते हैं, लेकिन द काइंडनेस, द कंपैशन, द लव अलाउ यूर सेल्फ टू बर्न बट जस्ट इनफ। Mistakes, failings, victories, success, they are all the same if you know which parts to keep with you. तो उन्होंने कहा, लेकिन ये तुम्हें तय करना है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में किन चीज़ों को याद रखना है, किन को पीछे छोड़ देना है। But know that you can grow better with them all. और इन सब से सीखते हुए आगे बढ़ना और जो है grow करते रहना। मैं तुम्हें जो है तब से जानता हूँ जब तुम एक छोटे बच्चे थे, और मैं तुम्हें तब से जान रहा हूँ जब अब तुम बच्चे से मैन बन गए हो। ओन इट, ओन एवरीथिंग यू एक्सपीरियंस, जो तुम सह रहे हो, जो तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो उसको ओन करो कि हाँ मैं ये सीख रहा हूँ, मैं ये ओन कर रहा हूँ। आई प्रोमिस यू इट्स गोना मेक सेंस, ओनली इफ यू हैव स्टार्टेड द डेविल इन हिज आईज एंड केप्ट यूर काम, कीप काम, ऑब्जर्व, दीज मोमेंट्स आर द मेकर्स ऑफ यूअर tomorrow, and tomorrow is going to have a brilliant sun shining, but for it you must go through the dark. Lekin suraj ki roshni se pehle andhkar ka samna karna padta hai. Bas kaam rehna, apni zindagi mein unhi experience ko lekar aage badhna jo tum chahte ho, aur kaam raho still, jo tumhe ho raha hai tumhare sath usko own karna, and trust me ek din roshni zarur aayegi, hamesha hum tumhare sath hai. लव यू मैन। तो इस तरीके से ऋतिक ने बहुत ही इमोशनल जो है एक लेटर शेयर किया है आर्यन के नाम पर। आप सोचिए, ऋतिक ने आर्यन को उस समय से देखा है जब वो छोटा बच्चा था, और अब जो है वो बड़ा हो चुका है। उन्होंने, ऋतिक ने यही लिखा, मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब तुम बच्चे थे। तो एक बहुत ही खूबसूरत लेटर, एक इंस्पायरिंग, मोटिवेट करने वाला लेटर जो है आर्यन के नाम लिखा गया है। बॉलीवुड के कई लोग आगे आए जो आर्यन को, शाहरुख को जानते हैं, परिवार की तरह जानते हैं। उन सबका भी यही कहना है कि आर्यन इस तरह का कभी भी कुछ नहीं कर सकता।